नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यूपीएससी के चार बार असफल हुए लेकिन विक्रम की कड़ी मेहनत के बदौलत दोस्तों पांचवी बार ये सफलता प्राप्त करके अपने मुकाम को हासिल कर लिए, तो वही उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूपीएससी की सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार मेहनत के अलावा दोस्तों धैर्य रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो असफलताओं के बावजूद सकारात्मक रहकर तैयारी करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें दोस्तों आज आपको यूपीएससी परीक्षा 2019 में सफलता प्राप्त करने वाले विक्रम सिंह की कहानी बताएंगे, जिन्हें यहाँ तक पहुँचने में लंबा वक्त लगा। यूपीएससी में लगातार चार बार असफल मिलने के बाद दोस्तों इन्होंने हार नहीं मानी, लगातार प्रयास करते रहे। आखिरकार पांचवें प्रयास में इन्होंने रणनीति कारगर रही और दोस्तों इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 354 के साथ अपना सपना पूरा कर लिया। इनकी कहानी ऐसे लोगों को प्रेरणादायक है दोस्तों जो असफलता के बाद निराश हो जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इंटरमीडिएट के बाद विक्रम जी ने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। इंटरमीडिएट व ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने इसी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का फैसला लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान इन्होंने यूपीएससी में जाने का मन बनाया और दोस्तों तैयारी शुरू कर दी। इन्हें भरोसा था कि वे जल्द ही इस फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उन्हें यह सफ़र कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ असफलता के लिए लंबे वक्त तक संघर्ष करना पड़ा दोस्तों इन्हें। दोस्तों विक्रम को यूपीएससी में चार बार असफलता मिली। जब कोई लगातार दोस्तों इतनी बार असफल हो जाता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। कुछ लोग तो इस फील्ड को छोड़ने का भी फैसला कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों विक्रम को भरोसा था कि उसकी मेहनत उन्हें फल जरूर मिलेगा। ऐसे में दोस्तों हर बार मेहनत तैयारी के साथ वह परीक्षा में शामिल हुए। आखिरकार पाँचवें प्रयास में दोस्तों उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने परीक्षा पास कर अपना सपना दोस्तों पूरा कर लिया। आपको बता दें दोस्तों, विक्रम जी अन्य कैंडिडेटों को क्या सलाह देते हैं दोस्तों? दोस्तों विक्रम जी का मानना है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी तैयारी पूरी होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें। आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, सभी यूपीएससी में अहम भूमिका निभाती हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको असफलता मिले तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है और अगला प्रयास दोगुनी मेहनत के साथ करें। अगर आप सही दिशा में लगातार मेहनत करेंगे तो आपको दोस्तों सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक डिसलाइक करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।